जब हमारा अकाउंट हम देखते हैं तो डेली उसमें हमारा जो पैसा है वो हमें माइनस में दिखता है कभी कभी। उम्मीद नहीं और हमें पुरानी नहीं चलेगी ये मनमानी, ये कहाँ तक चल पाएगा? अगर कोई चीज आप ग्रहण कर पा रहे हैं तो वो बुरी है और दूसरा ग्रहण कर रहा तो अच्छी है। 31 जुलाई को ताऊ जी अभी रिटायर हुए हैं। लास्ट पे देखो आप इनकी है 49,796 रुपए इनको ग्रोस सैलरी इनकी 61,489। मोदी जी खुद अपनी गारंटी लेना, न्यू पेंशन में आए, पुरानी पेंशन में क्यों आ रहे हैं? वो हम तो कह रहे हैं कि ठीक है वो अपनी पेंशन बंद कर दें, कर्मचारी की पेंशन भी बंद कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ का सुख है ये, कहाँ का न्याय है? अगर कोई सांसद विधायक के परिवार से कोई मर जाता है उन्हें तो फुल पेंशन मिलेगी, परंतु कर्मचारी के यहाँ से कोई मर जाएगा तो उसे की पेंशन? ये मैडम ये बहुत अन्याय है। सटीक खबरों का सीधा असर आप देख रहे हैं NCR समाचार। आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूँ, लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी सरकार से मांग कर रहे पर सरकार के कान पर जू रेंगने को तैयार नहीं है। लगातार आपने देखा कि रामलीला मैदान में भी 10 लोग OPS की मांग करते हुए पहुंचे थे और आज के से दिल्ली के लोग सरकारी कर्मचारी जंतर मंतर पर पहुंचे तो सीधे इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार क्यों मांग कर रहे हैं आप बार बार? सरकार तो सुन नहीं रही है, क्यों मांग कर रहे हैं आप? सरकार आप कैसे कह सकते हैं सरकार सुन रही है? हाँ। पिछले लगभग 10 साल से हम आंदोलनरत हैं। हाँ। मैं समीक्षी मीना राजस्थान से इस काम के लिए आया हूँ। राजस्थान में हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी पेंशन दे चुकी है, पुरानी पेंशन स्कीम दे चुकी है और हम मैं अपने भाइयों के लिए, अपने साथियों के लिए जो लगभग 85 लाख कर्मचारी हैं उनकी मांग के लिए इस आंदोलन में शामिल होने आया हूँ। जैसा कि आप कह रहे हैं मांग सरकार नहीं सुन रही है, कैसे नहीं सुन रही है? पिछले 10 साल से जो हम आंदोलन है कर रहे हैं उसी का परिणाम है कि लगभग 5 स्टेटों में, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल हो, सरकार हमारी हमें पुरानी पेंशन दे चुकी है। राजस्थान में किसकी सरकार में मिली आपको OPS? अशोक गहलोत सरकार, कांग्रेस की सरकार में हमें OPS मिली है। क्या लग रहा है भाजपा आ गई, अब देगी क्या उधर OPS? क्यों नहीं देगी? हाँ। जो ऑलरेडी मिली हुई है। हाँ। उसको भाजपा को कंटिन्यू करना पड़ेगा। NPS में क्या बुराई है? NPS में हमें कोई सिक्योरिटी नहीं है क्योंकि हमारी जो पैसा है, हमारा जो धन है उसको शेयर मार्केट के हवाले कर दिया गया है। फायदे हैं आपके, जनहित के फायदे हैं, फिर क्यों नहीं ले रहे आप लोग? कहाँ फायदा, कौन सा फायदा? हमारा कोई फायदा नहीं है उसमें क्योंकि पूरी हमारी जो डिपॉजिट है उसको शेयर मार्केट के हवाले कर दिया गया है। जब हमारा अकाउंट हम देखते हैं तो डेली उसमें हमारा जो पैसा है वो हमें माइनस में दिखता है, कभी कभी अप करता हुआ दिखता है, नहीं तो हमें मार्केट के हवाले कर दिया गया। जबकि पुरानी पेंशन स्कीम में हमारा जो बेसिक पे था, लास्ट बेसिक पे, उसका 50% हमें गारंटी के साथ मिलता था। मैडम हमारा सिर्फ कहना यह है कि सांसद और विधायक जब वो पुरानी पेंशन ले सकते हैं तो कर्मचारी और शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने के उनको लोगों को क्या ऐतराज है? हम लोग यूपी सहारनपुर से यहाँ पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में देश के 18 राज्यों के लोग यहाँ पहुंचे हैं, सबकी एक ही पीड़ा है, एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन। आखिर जब आप लोग ले रहे हैं उस सुविधा का लाभ तो हम लोगों को क्यों नहीं मिल रही पुरानी पेंशन? यूपी में तो बाबा जी हैं, बुलडोजर चल जाते हैं उनका। मैडम बुलडोजर उनके ऊपर चलता है ना, जो लोग गलत काम करते हैं। हम लोग कौन सा गलत काम करते हैं? हम लोग कर्मचारी वर्ग है, हम लोग सरकार बनाते हैं, हम लोग सरकार चलाते हैं। लगातार मांग उठती है NPS ही कहते हैं, NPS में कुछ खराबी नहीं और OPS के बारे में भाजपा भी कुछ सोच भी नहीं रही है। ये बहुत अच्छी बात है, अगर उन्हें लगता है कि NPS में कुछ कोई खराबी नहीं है तो मेरा तो निवेदन है कि एक बार सांसदगण स्वयं NPS लेके देखें और उन्हें पता लग जाए क्या चीज अच्छी खराब। तुम्हें नहीं और हमें पुरानी नहीं चलेगी ये मनमानी, ये कहाँ तक चल पाएगा? हाँ। अगर कोई चीज आप ग्रहण कर पा रहे हैं तो वो बुरी है और दूसरा ग्रहण कर रहा है तो अच्छी है, ये चीज वो बहुत बुरी मनमानी है सरकार की और सरकार को इस नीति पे आके इसे बदलना पड़ेगा क्योंकि 2014 के बाद अभी तक जो 3 अमेंडमेंट हुए हैं पुरानी पेंशन के ऊपर वो भी भाजपा गवर्नमेंट ने करे हैं और कहीं ना कहीं सरकार की पॉलिटिव सोच जो अब हमारा लोकसभा का चुनाव आ रहा है और हम निवेदन करेंगे मंच के माध्यम से कि मोदी जी कि आप पुरानी पेंशन हमारी बहाल कीजिए और इस देश के अंदर आप परमानेंट अपनी सरकार बनाते रहिए। ये कर्मचारी शिक्षक वर्ग आपको आश्वासन देता है क्योंकि पुरानी पेंशन का लाभ हमारे साथ नहीं, हमारे परिवार के साथ जुड़ा है, हमारे आशीर्वादों के साथ जुड़ जाता है। एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है और पेंशन उसके परिवार को 2,000 रुपए मिलेगी, कहाँ का सुख है ये, कहाँ का न्याय है? अगर कोई सांसद विधायक के परिवार से कोई मर जाता है उन्हें तो फुल पेंशन मिलेगी, परंतु कर्मचारी के यहाँ से कोई मर जाएगा तो उसे की पेंशन? ये मैडम ये बहुत अन्याय है। योजनाएं भी तो दे रहे हैं ना आप लोगों को, बोले लीजिए। तो मैडम हमें और कौन कौन सी योजनाएं दे रहे हैं? हाँ, सरकार राशन दे रहे हैं, फ्री शिक्षा दे रहे हैं, स्वास्थ्य ना हमें फ्री राशन मिल रहा है। हाँ, ना हमें कुछ नहीं मिल रहा, सरकार के कर्मचारियों को कुछ नहीं मिल रहा सिर्फ जो, और ये NPS है ना तो इसके अंदर ग्रेचुटी की सुविधा बहाल करी, बड़ी मुश्किल में बहाल कराई गई है, ना इसके अंदर रिमबर्समेंट है, ना इसके अंदर DA की सुविधा है, तो हम कहां से कहां जाएं मैडम? अगर एक आदमी 15 साल नौकरी करके रिटायर हो गया, जो 2000 उसके बाद हुआ रिटायर हो गया, उसे पेंशन 1800 रुपए मिल रही, आप बता दीजिए। 18 लाडली योजना की घोषणा करी मध्य प्रदेश में सरकार ने, 1 लाख रुपए एक व्यक्ति को देंगे, अगर 1800 रुपए
जोड़ लो तो 1 लाख तो वो भी नहीं बैठते। अगर प्राइवेट रहेगा आदमी साधारण कोई व्यक्ति उसको देंगे आप 1 लाख रूपए। वही लाडली योजना को महिला वहाँ पर पसंद कर रही है, वहाँ मामा की सरकार फिर से बन गई है। मैडम महिला वो एक अलग बात है कि महिला वो जो वो पसंद कर रहे हैं ना वो वर्ग जो वास्तव में गरीब बंद है उनके लिए पसंद कर रहे हैं, परंतु हम जो कर्मचारी जो 35 साल सरकार के पास नौकरी कर रहा जो सरकार की सेवा कर रहा सरकार के चुनाव करा रहा सारी योजनाओं को अमल कराने वाला हम सरकारी कर्मचारी है और हम ही को उससे वंचित रखा जा रहा है, ये तो न्याय है। ये दोनों सबका विकास का नारा देती है, क्या हो रहा है फिर? नहीं सबका साथ सबका विकास अच्छी बात है। हम लोगों हमारी ये पुरानी पेंशन हमें मैम हमारी पुरानी पेंशन जब तक नहीं देंगे हमारा विकास कैसे संभव है? ना हमारा विकास हुआ ना हमारे परिवार का विकास हुआ। मेरा तो एक निवेदन है कि पुरानी पेंशन बहाल कर दिए, हमारा विकास भी सबका विकास भी होगा। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो हम इस चीज को मांग लेंगे कि सबका साथ और सबका विकास। अच्छे दिन आए आपके? नहीं आए। जब तक पुरानी पेंशन नहीं होगी जब तक हमारे बुरे ही दिन है, अच्छे दिन है नहीं है। 2 साल बेमिसाल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकार जो है अक्सर लुभावने कर्मचारियों को बात करती रहती है, लेकिन जो हमारे पेंशन है वो बुढ़ापे का सहारा है। जैसे बुढ़ापा आता है रिटायरमेंट के बाद तो उसको बहुत सारी आवश्यकता पड़ती है, उसको दवाई की जरूरत पड़ती है, घर में उसकी जो बच्चे नहीं ध्यान देते हैं, तो एक जो पुरानी पेंशन वही सहारा होता है। सरकार आती है जाती है, लेकिन बहुत पुरानी सिस्टम से चला हुआ संविधानिक व्यवस्था है, तो ये हटा करके जो है ना बीजेपी सरकार ने, तो हम उनसे यही अपील करना चाहेंगे कि वो जो हमारे कर्मचारी हैं पूरे भारत के उनकी पुरानी पेंशन बहाल करें और जो हमारा अधिकार है वो बहाल करें। क्या लग रहा है सरकार मांग पूरी करेगी आप लोगों की? सरकार को मांग पूरी करनी चाहिए क्योंकि अगर सरकार खुद पेंशन ले रही है तो कर्मचारियों को पेंशन भी क्यों छोड़ रही है? तो सरकार को जो है कर्मचारियों की जो है मांग पूरी करनी चाहिए। पर सरकार कहती है कि पाई पाई से हम गरीब की भलाई कर रहे हैं, उसमें क्या सरकारी कर्मचारी नहीं आते क्या? सरकार को खुद देखना चाहिए ना कि उनके गरीबी कहाँ तक उन पर लागू हो रही है। सरकार के तो गरीब के छोड़ करके अमीरी बढ़ती जा रही है सरकार की, और कर्मचारी जो है दर बदर जो है ठोकरें खानी पड़ रही है। कर्मचारी तो और गरीब होता जा रहा है, अगर उसको पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी तो बुढ़ापे में या आने वाले समय में जो बच्चे हैं उनके ऊपर क्या गुजरेगी? कर्मचारी भी जो है 60 साल के बाद जब बीमार रहता है, बीमारी के कारण जो है उसको जो है पैसे की आवश्यकता पड़ती है, 1800 रुपए पेंशन में कर्मचारी क्या करेगा? मोदी जी कहते हैं, मोदी जी का मतलब होता है गारंटी, और गारंटी को धरती पर उतारना। तो मोदी जी खुद अपनी गारंटी लेना, न्यू पेंशन में आए पुरानी पेंशन में क्यों आ रहे हैं वो? हम तो कह रहे हैं कि ठीक है वो अपनी पेंशन बंद कर दें, कर्मचारी की पेंशन भी बंद कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेने को तैयार है आप लोग? हाँ बिल्कुल लेंगे, अगर वो अपनी बंद करते हैं तो क्या दिक्कत आ रही है? वो कम से कम सबके साथ में तो आए, वो सबके साथ में आए। अभी लोकसभा चुनाव आने वाले, 1 महीने बाद घोषणा होने वाली, तो क्या करने वाले अगर आपकी मांग पूरी नहीं की? अगर मांग पूरी नहीं की जाती है तो वोट जो वोट का अधिकार जो है वो जो मांग पूरी करेगा उस पर वोट का अधिकार जाएगा। सरकार को जो है बदलेंगे, आने बिल्कुल वोट पर चोट रहेगी। क्या कहना चाहेंगे? जो पेंशन की बात करेगा देश पर वही राज करेगा, वही राज करेगा। पर मोदी जी तो कह चुके हैं 2024 में फिर से तिरंगा लहराऊंगा मैं। ऐसा नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम कर्मचारी हैं और हम अपनी पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे चाहे इसके लिए हम कुछ भी करें। क्या करने वाले हैं वो तो वक्त बताएगा। तो आप धरना प्रदर्शन 10 लाख लेके भी रामलीला मैदान में पहुंच गए, आज फिर से जंतर मंतर पर आ गए आप, पर सरकार तो सुन ही नहीं रही है। अभी 4 महीने बाकी है, पता लग जाएगा। क्या कर लेंगे 4 महीने में? सालों में नहीं सुना तो 4 महीने में क्या कर लेंगे? ये तो वक्त बताएगा ना, वक्त बताएगा। ऐसा ना वक्त ना गुजर जाए जो 2024 में फिर से प्रधानमंत्री आ जाए। देखिए समय आने पे अगर प्रधानमंत्री जो है कर्मचारियों की आवाज को सुन लें तो हमारे लिए तो वो ही अच्छा है। अगर वो हमारी आवाज सुन लेते हैं तो मोदी जी सदा जो है आगे आने वाले समय तक जो है वो प्रधानमंत्री रहे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। सरकार कहती है ऐसे आंदोलन रोज लगे रहते हैं, आते हैं लोग जाते हैं, बस यही। सरकार भी बदलती है। हाँ बिल्कुल बदलती है, समय सबका एक समान नहीं होता। आने वाला समय जो है वो सरकार को खुद पता लग जाएगा कि कर्मचारी जो है क्या बदल सकते हैं। पर जिस तरीके से आपने कहा कि सरकार सिर्फ अमीरों को अमीर ही बना रही है, गरीबों को सबसे ज्यादा गरीब कर रही है, भाई प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे शासन में, भाजपा के शासन में सबसे ज्यादा गरीब जो है अमीर बने हैं। भाजपा के शासन में जो है ठीक है, उन्होंने विकास किया है, विकास से किसी को ऐतराज नहीं है। हमारा केवल मानना यह है कि जब कर्मचारियों के लिए पेंशन नहीं है तो मंत्रियों विधायकों के लिए पेंशन क्यों है? हमें केवल इस बात का जवाब चाहिए। वो देश चलाते हैं आप लोग, थोड़ी देश चलाते तो देश चलाते हैं। संविधान में कहाँ लिखा है कि देश चलाने वाला जो है पेंशन पाएगा और कर्मचारी जो है पेंशन नहीं पाएगा? वो संविधान में दिखाया हमें, संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? संविधान में साफ साफ पेंशन के लिए लिखा हुआ है
और पेंशन मिलनी चाहिए कर्मचारी। अच्छा दिन आए आपके या नहीं आए? कहाँ से आ गए? पेंशन अपना डबल टिबल ले रहे हैं, हाँ। कर्मचारियों को पेंशन नहीं दे रहे हैं, कहाँ से आ गया बताइए? सबका सब सबका विकास, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो कर्मचारियों का क्यों नहीं विकास कर रहे हैं? अपने चार चार पेंशन लेते हैं और हम लोग को क्यों नहीं देते हैं? बुढ़ापे की लाठी क्या है? हम लोग बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमको मानेंगे? तमाम योजना ये मैडम 31 जुलाई को ताऊ जी अभी रिटायर हुए हैं, हाँ। लास्ट पे देखो आप इनकी है 49,796 रुपए इन्होंने, इनको ग्रोथ सैलरी इनकी 61,489। अच्छा। और ताऊ जी बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना ये चाह रहा हूँ, हाँ। पहले तो मैं बेटा ऐसा है, मैं 37 साल की मेरी काउंटिंग सर्विस हुई है और मेरा 31 जून 1986 में मेरा ज्वाइनिंग हुआ, मैंने मेरे बहुत सारे साथी हैं, 503 लड़के थे हम, हाँ। और यूपीएससी के तहत हमारी भर्ती हुई, उसके बाद हमने 3 साल ड्यूटी करी, 1984 में जब इंदिरा मरी थी उसके बाद हमें इन्होंने 88 में स्ट्राइक हुई हमारी, स्ट्राइक के बाद इन्होंने 10 साल घर बैठा दिया, घर बैठाने के बाद फिर दोबारा मेडिकल हुआ, जबकि हमारा अपॉइंटमेंट यूपीएससी के तहत है, ठीक है ना, उसके बाद हमारे दोबारा लिया और दोबारा हमें रात को 1 बजे लेटर दिया इन्होंने और रात को नया अपॉइंटमेंट दिखा दिया इन्होंने, फिर हमने जो निकली लिया 98 में आगे दोबारा लिया, उसके बाद हमने कंटिन्यू ड्यूटी करी, ड्यूटी करने के बाद हम मुझे ATI पोस्ट, पहले कंडक्टर था मैं, और नहीं मेरे जितने मेरे साथी हैं कंडक्टर पोस्ट पे था, उसके बाद मेरा प्रमोशन दिया इन्होंने जितने मेरे साथी हैं। पर अभी क्या मसला है, मैं ये जानना चाह रही हूँ? मसला ये है कि मेरी जो अब ओल्ड पेंशन आई है, ये जो पुरानी पेंशन नहीं है, ईपीएस पेंशन है मेरी, 3407 रुपए मेरी पेंशन आई है। अच्छा। मेरी 37 साल की सर्विस है बेटा, हाँ। अब आप जैसी मेरी लड़की है और ये मेरा लड़का 22 साल का, अभी ये बताओ मैं और क्या करूंगा मैं इस टाइम, 3407 रुपए मेरी पेंशन आई है। पर भाजपा कहते हैं हमारे शासन में सब कोई खुशहाल और आप रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? रो न्यू रह रहे हैं कि अब ये कहते हैं हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, क्या विकास कर रहे हो आप? कुछ नहीं विकास कर रहे, तुम तो गरीबों को मार रहे हो। अभी खुश है हमारे शासन में? कौन खुश है आप? अब ये बताओ मेरी 3407 रुपए इसमें मेरा गुजारा हो जाएगा? मेरी 60 साल की उम्र है। तो 5 किलो राशन भी तो फ्री दे रहे? 5 रुपए राशन हमें नहीं चाहिए, पर राशन हमें तो हमारी, हमें कहाँ दे रहे हैं? हमें तो मिलेगा नहीं, जिनकी पेंशन है उनको कहाँ राशन दे? भाजपा सरकार इनकी मांगे पूरी नहीं करती, ओपीएस को बहाल नहीं करती है, तो ये सरकार को वोट की चोट देने के लिए तैयार है। क्या इन्हें 9 साल का भाजपा का शासन पसंद आ रहा है या नहीं, ये देखना बाकी है। मैं आपके साथ रितेशा मंगवान और आप देख रहे थे NCR समाचार।